दोस्तों आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा, आपने फोटोशॉप पर फाइल कुड नॉट बी सेव एंड फोटोशॉप डज नॉट हैव मेमोरी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसे आप लोग एक सेकंड में जस्ट, ठीक है गाइस, आपको बस एक सेकंड लगेंगे इसको ठीक करने में। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा मतलब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। वो जितना भी आप लोग, ठीक है, वीडियोस देखा है ना, उससे मैंने भी देखा है, ठीक है, कुछ ऐसा डिजिट फाइल रजिस्ट्री ऐसा कुछ प्रोसेस बता रहे थे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को एक भी मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में गाइस आपको एक सेकंड में लगेंगे, बस आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त को के भी साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो कि गाइस आप लोग ये 100% डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। और गाइस ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं किया, ठीक है, ये बस हमने गूगल से डाउनलोड किया और यहाँ पर हमने वीडियोस के ऊपर भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको एक सेकेंड लगेंगे इसको ठीक करने में और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगा अगर मेरे लिए टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हुआ कि गैस मेरे साथ भी ये हुआ कि फोटोशॉप, ठीक है, डस नॉट हैव एनफ मेमोरी और फाइल इज लॉक, ठीक है, फाइल सेव ही नहीं हो रहे थे, पीडीएफ खोल नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो गैस फर्स्ट मैंने किया फोटोशॉप, ठीक है, और फोटोशॉप को अनस्टॉल प्रॉपर्टीज पर जाके गैस रिपेयर किया ताकि रिपेयर हो सके और रिस्टोर हो सके अपने फोन पे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैंने वो किया, वो तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर गैस मैं फ़ोटोशॉप को ही अनस्टॉल कर दिया और फिर से एक बार रीइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तब भी गैस ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, ठीक है, फाइल इज लॉक एंड फोटोशॉप डस नॉट एनफ मेमोरी, ठीक है, यानी कि रैम जो भी हो रहे थे वो फोटोशॉप पर पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया गैस, ठीक है, तो गैस मुझे एक चीज़ याद आ गया तभी, ठीक है। तो एक हफ्ते पहले मैंने, कुछ दिन पहले, मान लीजिए कुछ दिन पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करी थी अपने डेस्कटॉप पर, वो है गैस एंटीवायरस, ठीक है, अवस्ट एंटीवायरस, ठीक है, जिसके वजह से ये मुझे फेस करने को मिला है। अवस्ट एंटीवायरस जैसे ही मैंने डाल रखा, ठीक है, तब उसके बाद ये प्रॉब्लम टाइम टू टाइम मतलब मुझे फेस करने को मिला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये अवस्ट की वजह से हुआ है एंटीवायरस, ठीक है। तो आप लोग अगर आपके पास फ्री भी है, फ्री एंटीवायरस या फिर पेड में तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर फ्री आप लोग एंटीवायरस अपने पीसी पर या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करके रखा है वो सारा ब्लॉक कर देता है, ठीक है गाइस, जिसके वजह से ये आपको फाइल डस नॉट हैव मेमोरी एंड फाइल, ठीक है, लॉक हो जाता है जो भी आप लोग सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है बस एंटीवायरस बहुत साइज़ का आता है, मतलब बहुत MB का होता है ये, इसके वजह से ये कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाता है और कई कई चीज़ें काम नहीं, ब्लॉक हो जाता है एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस की वजह से, जिसके वजह से गाइस आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आप ज़रूर जाके एक बार चेक करिए, ठीक है, तो डिलीट करिए अपने कोई भी प्रकार का, अगर आप लोग थर्ड पार्टी या फिर एंटीवायरस डाउनलोड करके रखा है फ्री वर्जन, तो उसे पहले डिलीट कर दीजिए और मुझे कमेंट में जाके थैंक यू जरूर बोलना बाद में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तो चैनल को जाना ये भूलना मत, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लिक जय हिंद जय भारत।